हेलो देयर, आज जो आपका लेक्चर है मैं लेके आया हूँ वो है मसल फिजियोलॉजी। मैं आपको फिजियोलॉजी पेपर पढ़ाऊंगा। ये दो टीचरों में डिवाइडेड है फिजियोलॉजी सिलेबस। तो मैं आपको मसल फिजियोलॉजी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये तीन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। जो मसल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, मैं सोच रहा हूँ इसको तीन लेक्चर में शायद ये कंप्लीट होगा। जो तीन पार्ट होंगे, सो पार्ट वन में मैं आपको अबाउट द मसल्स बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जो मसल्स के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है मसल्स की। जो पार्ट टू है, पार्ट टू में मैं मसल्स का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनाटोमिकल स्ट्रक्चर बताऊंगा, सो दैट आप जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन को नहीं सीधे समझ पाएंगे। सो थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन को दो बेसिक थ्योरीज के बेसिस पे हम समझते हैं। एक थ्योरी बहुत पुरानी है जिसको हमने स्लाइड फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, और उसी के आसपास की दूसरी थ्योरी है जिसको हम क्रॉस ब्रिज थ्योरी कहते हैं, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। और एक इंटीग्रेटेड थ्योरी है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। सो होपफुली ये तीन पार्ट में खत्म हो जाएगा। सो जो आज मैं आपको पार्ट वन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ वो है आपके, सबसे पहले कि आपको ये जानना चाहिए जो हमारे हायर एनिमल्स है, कॉर्डेट्स हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं वो एक टाइप का टिश्यू है। और अगर हम सारे टिश्यूज को देखेंगे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में चार टाइप के टिश्यूज होते हैं, और इसी के डिफ्रेंशिएशन होके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि पहला टाइप ऑफ टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बॉडी की कवरिंग करता है, और इंटरनल ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग। इंटरनल ऑर्गन मतलब आप अगर इमेजिन करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक की अंदर के स्ट्रक्चर। जैसे आप एक पाइप को इमेजिन करें तो पाइप के जो अंदर की लाइनिंग है उसकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम करता है। दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू जो बॉडी में पाए जाते हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करते हैं, मैं इसके डिटेल्स में आऊंगा अभी। और तीसरा है आपका न्यूरोनल टिश्यू, और चौथा है आपका मस्कुलर टिश्यू। सो कोई भी एक हायर ऑर्गन जो कॉर्डेट है उसमें इसी चार प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। जो लास्ट के दो टिश्यूज है जो न्यूरोनल और मस्कुलर है, ये दोनों एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल मतलब इसमें अगर कोई हम स्टिमुलेशन देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा, उद्दीपन होता है एक्साइटेशन का मतलब। सो पहले आते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। सब जैसे मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी की कवरिंग करता है, आउटर कवरिंग। जो जो इंटीग्रमेंट्री सिस्टम है वो हमारी एपिथेलियम के ही बने हैं। इसके अलावा जो इसके जो सेल होते हैं इसके शेप के बेसिस पे तीन टाइप के अलग अलग शेप्स होते हैं, स्क्वामोस, क्यूबोडल एंड कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब उसकी चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, क्यूबोडल मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, स्क्वामोस का मतलब है चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम। और ये इंटरनल लाइनिंग करते हैं, जैसे एक लाइनिंग है किसकी, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर की लाइनिंग भी ये कॉलमनर सेल्स करते हैं। इसके डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे आपके हिस्टोलॉजी वाले सेक्शंस में। अब आते हैं दूसरे टाइप के टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ब्लड का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना एंड डिफेंस करना अगेंस्ट द इनवेडिंग पैथोजन। सो जो ऑक्सीजन की सप्लाई काम करते हैं वो करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर अटैच होके रहता है ज्यादातर ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन इसके प्लाज्मा में घुले रहते हैं। और जो ये आप न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं ये आपके फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो होती है आपके बोन। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन का स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं। ये भी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखने का काम करते हैं। सो बोन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि आपके हेड के अलग बोन होंगे, फ्लैट बोन होंगे स्टर्नम के जैसे, और उसी तरह आपके लॉन्ग बोन्स होंगे। ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे आगे चल के। अब आते हैं आपके न्यूरोनल टिश्यू। न्यूरोनल टिश्यू सबको पता है नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज होते हैं उसको न्यूरोनल टिश्यू कहते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम कंप्लीटली दिखाया गया, जिसमें ये
मेन ब्रेन है, ब्रेन से निकला हुआ ये ब्रेन स्टेम है, और साइड से जो ये निकला हुआ है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम होते किस तरह के, ये दो तरीके के होते हैं फंडामेंटली। एक होता है सेंसरी, जो बाहर से सेंसेशन मिलेगा, वो जैसे मैंने कहा कि कोई किसी का हाथ टच करे तो वो टच का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाने, वो सेंसरी का काम है। जैसे मच्छर काटे तो आप उसको दूसरे हाथ से मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वो मोटर न्यूरॉन का काम है। इसके अलावा एक मिक्स्ड न्यूरॉन होता है, साथ ही साथ आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, जो ग्लैंड्स है, या एडिपोज टिश्यू जिसमें कि फैट डिपोजिट होता है, इसका काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यही काम कर रहे होते हैं। सो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें जो सप्लाई होती है वो मोटर डिवीजन होता है या मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं। इसके डिटेल्स हम जानेंगे जब नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। अब आते हैं आपके मस्कुलर सिस्टम में। सो मस्कुलर सिस्टम आप सबको पता है, मसल्स, आजकल सबको मसल्स बनाने की इच्छा होती है। सो मसल्स क्या होता है, मसल्स पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना। और स्टेबिलिटी कैसे देती है ये मसल्स, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये बोन है। सो बोन के साथ, दो बोन के साथ ये मसल्स ज्वाइंट होके रहते हैं। जैसे ये बोन है, यहाँ से बोन से दूसरे बोन को ये सपोर्ट मिल रहा है। सो एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने का जो काम है वो मसल करती है, एक टाइप के मसल्स। दूसरे टाइप के मसल्स होते हैं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और तीसरे टाइप के जो मसल्स होते हैं वो हमारे हार्ट को बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो आते हैं अब जो मसल्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सो मसल्स का क्लासिफिकेशन हम तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर सकते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। जब हम कोई मसल्स को विजुअली देखते हैं तो मसल देखते में कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होता है रेड मसल्स, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा हाईली ब्लड सप्लाई होते हैं, उसको देखने में रेड होता है, तो उसको हमने रेड मसल्स कहते हैं। दूसरा देखने में व्हाइट होता है, उसको व्हाइट मसल्स कहते हैं। जैसे आप बर्ड्स को देखेंगे, बर्ड्स के जो चेस्ट में विंग्स के जो मसल्स हैं वो व्हाइट देखने के जैसा होता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्ड मसल्स से, तो उसको हमने व्हाइट मसल्स कहते हैं। अब आते हैं कंट्रोल के बेसिस पे। कंट्रोल का बेसिस मतलब जो ऑर्गेनिज्म चाहे तो मसल्स को कैसे यूज कर सकता है। तो कंट्रोल के बेसिस पे भी दो तरह के मसल्स होते हैं। एक होता है वॉलंटरी मसल्स, दैट मींस आपके विल पावर पे, आपके इच्छा के अनुसार वो मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो एक पेन पकड़ना चाहते हो, तो आप इच्छा करते हो कि मैं उंगली से पेन पकड़ूं, तो ये आपने इच्छा करी और उंगली हिलाई और पेन पकड़ लिया। सो ये वॉलंटरी मसल्स है। या चाहो तो आप मुट्ठी तेज हिचक के रखो, तो वो भी आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने विल के ऊपर। ऐसे मसल्स को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। और दूसरा होता है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिसको हमने अपनी इच्छा अनुसार उसको रोक भी नहीं सकते और चला भी नहीं सकते, वो अपने आप ही चलती है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ट्यूब के जो मसल्स हैं वो मसल्स इनवॉलंटरी है, स्टमक के मसल्स है वो इनवॉलंटरी है। आप चाहो कि मैं हजम नहीं करता हूँ, खाना नहीं पचाता हूँ, आज गुस्सा में हूं, तो नहीं चलेगा वो। जैसे आपके हार्ट के मसल्स हैं वो भी इनवॉलंटरी है। आप चाहोगे कि मैं हार्ट नहीं, अब मेरे जीने का मन नहीं है, मैं बंद कर लेता हूँ हार्ट, अब तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। जैसे आपके चेस्ट के मसल्स है वो सेमी इनवॉलंटरी है, आप थोड़ी देर सांस तो रोक सकते हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हो। ये इनवॉलंटरी मसल्स होता है एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी ने चाहा कि मैं सांस लेना बंद कर देता तो उसकी तो डेथ हो जाएगी, ऐसे तो सब मर जाएंगे गुस्से में आके। सो इसीलिए वो इनवॉलंटरी मसल्स वाइटल होता है सर्वाइवल के लिए। अब आता है आपके माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसका मतलब अगर आप एक मसल्स के पोर्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, उसके बेसिस पे मसल्स को आप तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्मूथ मसल्स, उसका विजुअल कैसा होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें कम स्ट्राइशंस होते हैं। स्ट्राइशंस का मतलब जो आप बैंड बैंड देखते हो मसल्स के अंदर, वो नहीं दिखते हैं। और दूसरा होता है आपका स्ट्राइटेड मसल्स, मसल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको बैंड से दिखेंगे। और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। जो स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, एक्सेप्ट कि कार्डियक मसल्स में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्राइटेड मसल्स में।
और कार्डियक मसल्स भी स्पेशलाइज्ड मसल्स है क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। आते हैं यहाँ पे दिखता कैसे। सबसे पहले आपको ये हम दिखाते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में क्या देखते हैं आपको, स्ट्राइशंस देखते हैं, ये एक मसल फाइबर है। दूसरा आपका ये हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, इसमें भी आप ऐसे स्ट्राइशन देखते हैं, जैसे ये लाइन लाइन देख रहे हैं, इसमें भी लाइन देखते हैं, बट इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। जो तीसरे टाइप का मसल्स है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, इसमें जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं दूर दूर तक फैले होते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी थोड़ा सा कम होता है। और एक होता है यूनिसेलुलर मसल, जिसको हमने मायो एपिथेलियल सेल कहते हैं। ये मसल इंडिविजुअल एक ही सेल का बना होता है, और इसकी खासियत क्या है, ये इनवॉलंटरी नेचर में काम करते हैं। और ये रहते कहाँ पे, हमारे जो हेयर ग्लैंड है उसके नीचे। हेयर का जो रूट होता है उसके साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए आप देखते हैं जब ठंड लगती है तो आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस मायो एपिथेलियल सेल्स। अब आते हैं कि फंक्शंस क्या है मसल्स का। तो मसल्स का फंक्शन क्या क्या है, ये बॉडी के जो बोन से एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, तो उसी के साथ साथ बॉडी का मूवमेंट भी इस मसल्स के थ्रू पॉसिबल है। तो आप चाहो तो पैर बढ़ा सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप चाहो तो बैठ जाओ। तो ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपके हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, जैसे आपके नेक के मसल्स हैं तो आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं। ये बॉडी में मूवमेंट को भी स्टेबलाइज करते हैं। आप चलते हुए गिर नहीं जाते हो, क्योंकि अलग अलग मसल्स अलग अलग तरीके से खींच के बॉडी का एक ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होने के लिए स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा आपके बॉडी जो मसल्स है वो स्टोरेज का भी काम करते हैं। कैसे, जैसे आपके ज्यादा खाना खा लिया, फैट का फॉर्मेशन होगा, वो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ पे होगा, मसल्स में होता है वो। और साथ ही साथ मसल्स के थ्रू मूवमेंट भी होते हैं। कैसे, जैसे ब्लड वेसल्स के साथ साथ आपके इसमें लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंपिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ब्लड लिम्फ का मूवमेंट मसल्स के मूवमेंट के साथ ही जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके प्रेशर से लिम्फेटिक सिस्टम स्क्वीज होता है। जैसे आपका कोलगेट पेस्ट का ट्यूब है, एक तरफ से स्क्वीज करते तो एक ही तरफ निकलता है, तो लिम्फ का ट्यूब भी मसल्स के मूवमेंट की वजह से स्क्वीज हो जाता है, एक तरफ से लिम्फ निकलता है। अब आते हैं आपके मसल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और क्या है हायर एनिमल्स में, स्पेशली मैमल्स में, जिनका मैमल्स एंड बर्ड्स में जिनके बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। तो ये जो मसल्स है, मसल्स के मूवमेंट से हीट जनरेट होता है, मतलब एटीपी का जनरेशन होता है। तो हीट बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये मसल्स हेल्प करते हैं। मसल्स के बगैर वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना मुश्किल है। अब आते हैं मसल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, मसल्स इज एक्साइटेबल टिश्यू। अगर आपने इसको कुछ इलेक्ट्रिक करंट दिया तो एक्साइट होगा, ये उद्दीपित होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक सिग्नल होने पे कैसे होगा, या तो ये सिग्नल बाहर से आए, न्यूरॉन के थ्रू आए, या मसल खुद से बनाए। तो एक स्पेशलाइज मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि हार्ट के मसल्स, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल खुद ही बनाते हो, तो ये एक्साइटेबल खुद ही करते हैं। दूसरा है आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर, जो नर्व सिग्नल सिक्रीट करते हैं कोई केमिकल, ये स्ट्राइटेड मसल्स में होता है, यानी कि वॉलंटरी मसल्स में। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये कार्डियक मसल्स में प्रोड्यूस होता है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखो इसका मतलब है, इसको अगर आप खींचो तो खींच के ये छोटा भी हो सकता है। जितना साइज अगर 1 मीटर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 1 मीटर की बजाय ये 90 सेंटीमीटर भी हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। तीसरा होता है एक्सटेंसिबिलिटी, इसका मतलब जो इलास्टिक का रबर बैंड है उसकी तरह ये लंबा भी होके वापस भी आ सकता है। जैसे 1 मीटर का मसल्स है तो इसको आप खींचोगे तो 1.1 मीटर तक का भी एक्सटेंस आप इसको कर सकते हो। अब आता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिकॉयल। दैट मीन्स इफ यू हैव स्ट्रेच समथिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, अगर वो स्ट्रेच का पावर आप हटा दोगे तो ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा, जैसे आपके रबर बैंड होता है। तो सिंपली एक्सटेंड करने को इलास्टिसिटी कहेंगे, छोटे होने को कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहेंगे, लंबाई बढ़ाने की एबिलिटी को हम कहेंगे एक्सटेंसिबिलिटी, और वापस अपने पुराने पोजीशन में लंबा बढ़ के या छोटा होके भी पुराने पोजीशन में आने को हम इलास्टिसिटी कहेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, आप ध्यान से सुने और पढ़े। थैंक यू सो मच।